Good morning, class. This is our new anaphysio class, in which today we will study about the remaining portion of lymphatic system. हालांकि lymphatic system के अंदर mostly चीज़ें हमने पढ़ ली थी, पर फिर भी कुछ और भी parts इसमें आते हैं, कुछ और भी छुटकी पुटकी सी चीज़ें हैं जो हमारे को देखनी है, पढ़नी है, तो वो हम देख लेते हैं. तो देखो, सबसे पहले तो वो जो टर्म्स, हालांकि हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ ली थी सारी टर्म्स, पर फिर भी मैं एक बार वापस आपको बता दूं. लिम्फ क्या होता है? ये एक फ्लूड है जिसके अंदर WBCs होती हैं और हमारे को जम्स से डिफेंड करने में हेल्पफुल होता है ये लिम्फ. लिम्फ वेसल्स, वो वेसल्स है जिसमें लिम्फ पाया जाता है पूरी बॉडी के अंदर. ये ब्लड वेसल से अलग होती हैं. लिम्फ नोड्स ग्लैंड्स हैं जो इन लिम्फ वेसल्स में, पूरे लिम्फ वेसल्स में पाई जाती हैं आपके स्प्लीन के साथ में. ये जो नोड्स हैं, देयर दीज नोड्स आर वेयर वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन. जहाँ जहाँ ये नोड्स हैं वहाँ वहाँ से वाइट ब्लड सेल्स निकलती हैं और इन्फेक्शन से फाइट करती हैं. ये स्ट्रक्चर दे रखी है, आर्टरी वेन्स, और बीच में ग्रीन कलर की जो ब्रांचेस दिख रही हैं, नेटवर्क दिख रहा है, वो लिम्फ है. लिम्फेटिक वेसल्स है जिसके अंदर लिम्फ भरा हुआ है. बाहर से ये टिश्यू फ्लूड है जो इसके अंदर घुस रहा है, बाहर निकल रहा है. छोटी छोटी पतली पतली लिम्फ की कैपिलरीज हैं, ये टिश्यू फ्लूड है. कैपिलरी का बेड ऊपर दिखाई दे रहा है, टिश्यू सेल्स छोटी छोटी सी दिखाई दे रही हैं, बीच बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है. तो ये स्ट्रक्चर लिम्फ क्या होता है? क्लियर फ्लूड या टिश्यू फ्लूड से डिराइव होता है. इसमें WBC होती है, प्लाज्मा के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती हैं. एंटर्स नोड थ्रू एफरेंट लिम्फेटिक वेसल. एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से ये नोड में घुसता है, फिर नोड के थ्रू फ्लो होता है एक डायरेक्शन में. ये दिखाया गया है, यहाँ पे वॉल बताए गए हैं, वॉल की ओपनिंग, एंडोथिलियल सेल्स ओवरलैप हो रही हैं. लिम्फ फ्लो का ये डायरेक्शन दिखाया गया है कि ये ऐसे नीचे से ऊपर कैसे निकल रहा है, कैसे घुस रहा है. यहाँ पे वॉल क्लोज हुए हुए दिखाए हुए हैं, ऊपर वॉल ओपन है. देखो ऊपर के दो में वॉल ओपन दिख रहे हैं ना आपको, आराम से फ्लूड जा रहा है, ये तो जा रहा है, और यहाँ पर ये क्लोज है तो नहीं जा पा रहा है. फ्लूड एंटरिंग लिम्फेटिक कैपिलरी, और बाहर से फ्लूड कैसे कैपिलरी के अंदर घुस रहा है, ये साइड के एरोज दिखा रहे हैं आपके, है ना, कि कैसे घुस रहा है. ये अनफिल्टर्ड लिम्फ अंदर जा रहा है, बैक्टीरिया को किल करता है, कैंसर सेल्स को भी किल कर रहा होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन का काम कर रहा है ना ये. इसके अलावा ये वेस्ट को रिमूव कर रहा होता है, फिल्टर्ड हो रहा है. यहाँ पे लिम्फ निकलते समय वॉल्व जो है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, कि फ्लूड ऊपर से घुसा, नीचे से निकला और नीचे से वापस ना घुस सके, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व लगे हुए हैं. लिम्फ फ्लो जो है वो लिम्फ नोड में साइनसिस के थ्रू हो रहा होता है, लिम्फ नोड कॉर्टेक्स में, और फिर मेड्यूला में जाता है, फिर लिम्फ नोड से एग्जिट होता है. इफरेंट लिम्फेटिक वेसल, एफरेंट से घुसा था, इफरेंट वेसल से ये बाहर निकलता है और वापस रिटर्न होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ताकि ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर मेंटेन रह सके. क्योंकि ब्लड से ही निकला था, ऐसा अपन लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ब्लड का प्लाज्मा ही घुस रहा था इसके अंदर में. ये वाला डायग्राम हम अपनी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, पढ़ लीजिएगा खुद से, बार बार नहीं बता रही हूँ मैं इस टॉपिक को. लिम्फ, अब स्ट्रक्चर जैसे लिम्फ वेसल हो गए, तो लिम्फ कैपिलरीज, ये छोटी छोटी सी क्लोज्ड एंडेड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड कैपिलरीज के नेक्स्ट ही लोकेटेड रहती है टिश्यू स्पेस में. लार्ज डायामीटर होता है ब्लड कैपिलरीज के कंपैरिजन में. जो लिम्फ कैपिलरीज है वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, ज़्यादा परमिएबल होती है टिश्यू फ्लूड और प्रोटीन्स को ये कलेक्ट किए हुए रखती हैं. लिम्फ कैपिलरीज जो है मर्ज होकर के लार्ज लिम्फ वेसल बना लेती हैं आगे जा कर के. नेक्स्ट पॉइंट ऑब्वियस है, फिर लिम्फ वेसल ये वेन के जैसा दिखाई देता है, पर इसकी और भी वॉल जो है पतली होती है वेन्स के कंपैरिजन में, और इसमें वॉल्व्स ज़्यादा लगे हुए होते हैं. एंडोथिलियल सेल्स के एंड जो होते हैं वो ओवरलैप हुए हुए होते हैं. एक्ट एज वन वे वॉल्व्स अलाउइंग इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू फ्लो इन बट नॉट आउट. तो इससे क्या होता है, ये वन वे ही प्रोवाइड कर रहा होता है, ये ओवरलैप हुआ हुआ है, तो ये वन वे इसका वॉल्व जो प्रोवाइड करता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ये अलाउ तो करता है अंदर आने के लिए, पर बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं करता. आसपास के टिश्यू से चिपके हुए रहते हैं ये, मतलब एंकरिंग फिलामेंट्स इसमें होते हैं जिसके थ्रू ये आसपास के टिश्यू से एंकर्ड रहते हैं. तो ये देखिए फ्लैप लाइक मिनी वॉल्व दिखाया गया है,
और ये एंकरिंग फिलामेंट्स इसमें, ये देखो ये छोटे छोटे से ये वाले है ना, बड़ा करके देखें अपन, ये फिलामेंट्स हैं जो एंकर टू द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से एंकर्ड रहते हैं। ये इसके एंडोथीलियल सेल्स हैं, ऊपर इसमें फ्लैप लाइक मिनी वॉल्व हैं, फाइब्रोब्लास्ट लूज कनेक्टिव टिश्यू में दिखाई गई है। तो ये इसको, ये जो ब्लड वेसल है उसको, ये टिश्यू सॉरी लिम्फ की वेसल को बड़ा करके डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। लिम्फ में कोई पंप नहीं होता, नो पंप फॉर लिम्फ। लिम्फ जो है वो हमेशा मूव्ड रहता है वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, स्केटल मसल पंप की वजह से और रेस्पिरेटरी पंप की वजह से। एट इंटरवल्स अलोंग वेसल्स लिम्फ फ्लोज इनटू लिम्फ नोड्स, इंटरवल्स पर ही जो लिम्फ वेसल से लिम्फ फ्लो होता हुआ लिम्फ नोड्स में जाता है। लिम्फेटिक वेसल जुड़ करके लिम्फ की ट्रंक बनाते हैं, कैपिलरी ने जुड़ करके लिम्फ वेसल, लिम्फ कैपिलरी जुड़ करके यूनाइट होकर के लिम्फ वेसल बना रही है और लिम्फ वेसल यूनाइट होकर के लिम्फ ट्रंक बना रही है। तो नेक्स्ट पार्ट है लिम्फ ट्रंक, जो कि लिम्फेटिक वेसल के यूनाइट होने से बन रहा है। ये ऑब्वियस लार्ज ट्यूब होती है, ये अपने लिम्फ को लिम्फेटिक डक्ट में खाली करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फ एम्प्टी हुआ, दो कंडक्टिव डक्ट्स के अंदर एम्प्टी होता है, थोरैसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट होती है और दूसरे राइट लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फ जो है इन डक्ट से ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के द्वारा और राइट सबक्लेवियन वेन के द्वारा। ये रीजनल लिम्फ नोड दिखाए गए हैं, सर्वाइकल नोड, एक्सिलरी नोड दिखा रहे हैं, इनगुइनल नोड्स, तीन तरह के नोड्स दिखा दिए, सर्वाइकल, एक्सिलरी और इनगुइनल। राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो एंटर हो रही है राइट सबक्लेवियन वेन में, ये इंटरनल जगलर वेन दिखाई गई है इसके नीचे। थोरैसिक डक्ट की एंट्री हो रही है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, ये थोरैसिक डक्ट है आपकी, दिखाई दे रहा है ना सारे स्ट्रक्चर, बड़ा करने की जरूरत है क्या मुझे, मुझे दिख सकते तो भाई आपको तो दिखाई दे ही सकता है। ये एओर्टा बताई गई है, ये सिस्टर्न काइली अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल दिखाई गई है। अब थोरैसिक डक्ट में अपन ने कहा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट है। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट 15 से 18 इंच लंबी होती है, ये डायलेशन से बिगिन होती है जिसको अपन सिस्टर्न काइली कहते हैं। मेन कलेक्टिंग डक्ट है ये लिम्फेटिक सिस्टम की, ये लिम्फ को रिसीव करती है बॉडी के लोअर बॉडी पार्ट से आप लेती है ये, और अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट से लेती है, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट से और लोअर बॉडी से, और एम्प्टी करती है ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर अपने लिम्फ को। सिस्टर्न काइली लार्ज लिम्फ वेसल है, लोअर बॉडी की जो लिम्फ वेसल्स हैं, लोअर बॉडी से आने वाले लिम्फ वेसल्स यूनाइट होकर के सिस्टर्न काइली बनाती है। ये सेकेंड लंबर वर्टिब्री के पास के ऊपर जो है लोकेटेड होती है, कंटिन्यू सुपीरियरली एज थोरैसिक डक्ट, थोरैसिक डक्ट के रूप में ये कंटिन्यू होती है सुपीरियरली। राइट लिम्फेटिक डक्ट है जो कि 0.5 इंच की लेंथ होती है, ये लिम्फ को रिसीव करती है अपर राइट क्वाड्रेंट से और राइट सबक्लेवियन वेन में ये अपना लिम्फ को एम्प्टी करती है। अब लिम्फ नोड ये अंडाकार या बीन शेप के स्ट्रक्चर होती है, लिम्फेटिक टिश्यू का ये मास है, ये डिफेंस में हेल्प करता है, WBC के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। ये लिम्फेटिक वेसल की लेंथ के अलोंग ही पाया जाता है और पूरी बॉडी के अंदर क्लस्टर के रूप में ये स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ रहता है, ऐसे लगता है जैसे क्लस्टर्स हैं। फिर ये स्ट्रक्चर, ये हाइलम वगैरह की स्ट्रक्चर बताई गई है, जर्नल लेयर ट्यूबर ट्रेबिक्यूलिस दिखाई गई हैं। अब ये चार्ट भाई, लिम्फ नोड से लिम्फ कैसे फ्लो हो रहा है वो पाथवे, तो देखो सबसे पहले एफरेंट लिम्फेटिक से, एफरेंट लिम्फेटिक से ही आ रहा था ना, यूनिडायरेक्शनल होता है, ये लिम्फ को कैरी करता है लिम्फ नोड तक। कहाँ से आ रहा है, पेरिफेरल टिश्यू से लिम्फ नोड तक कैरी हो रहा है। एफरेंट लिम्फेटिक जो है वो पेनिट्रेट करती है लिम्फ नोड के कैप्सूल में ऑन द साइड अपोजिट द हाइलम, ये ऊपर हाइलम दिखाया गया ना, ये रहा हाइलम, यहाँ से ये हो रहा है। फिर ये एफरेंट वेसल डिलीवर कर रही है लिम्फ को सब कैप्सुलर स्पेस में, सब कैप्सुलर स्पेस ही बताया गया है उसके अंदर ये दे रही है। दोनों इस डायग्राम को और इस चार्ट को दोनों को देखते जाइए। मैश वर्क है रेटिकुलर फाइबर का, मैक्रोफाज का, डेंड्राइटिक सेल्स का। डेंड्राइटिक सेल्स जो होती है वो इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करने में इन्वॉल्व रहती हैं। अब लिम्फ जो है नेक्स्ट फ्लोज इनटू द आउटर कॉर्टेक्स,
डेंड्राइटिक सेल्स है, अभी ये कहाँ गया, मतलब सब कैप्सुलर स्पेस में था ना, वहाँ से ये गया आउटर कॉर्टेक्स में। आउटर कॉर्टेक्स में जहाँ पर कि बी सेल्स पाई जा रही होती है, जर्मिनल सेंटर में, जर्मिनल सेंटर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पर गया। वहाँ पर ये लिम्फॉइड नोड्यूल्स के जैसा ही दिखाई दे रहा होता है। लिम्फ इसके बाद फ्लो हो रही है लिम्फ साइनसिस के थ्रू डीप कॉर्टेक्स में जा रही है, जहाँ पर कि टी सेल्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। भाई कहाँ कहाँ कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम हर एक जगह देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर सेल्स पाई जाती है। जैसे कि बी सेल्स आउटर कॉर्टेक्स में थी, डेंड्राइटिक सेल्स, रेटिकुलर फाइबर, मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स वगैरह सब कैप्सुलर स्पेस में थी, तो इनको याद रखिए। फिर यहाँ से ये लिम्फ कंटिन्यू गया मेड्यूलरी साइनस में एट द कोर ऑफ द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड के कोर में। इस रीजन के अंदर बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ से ये इंफ्रंट लिम्फेटिक्स में गया, लिम्फ नोड जब हाइलम को छोड़ देता है, दीज वेसल्स कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम द मेडुलरी साइनस, मेडुलरी साइनस से इसने लिया, कैरी इट टूवर्ड द वीनस सर्कुलेशन, और वापस कहाँ लेकर के चला गया, वीनस सर्कुलेशन में ब्लड को लेकर के चला जाता है, क्योंकि ब्लड से आया, ब्लड को क्या, सॉरी, लिम्फ को लेकर चला जाता है, फ्लूड को लेकर के, प्लाज्मा को लेकर चला जाता है ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड का प्रेशर वगैरह मेंटेन रह सके, वॉल्यूम वगैरह मेंटेन रह सके। तो यही वो जो स्ट्रक्चर उस डायग्राम में अपन पढ़ रहे थे, ये एफ्रंट वेसल्स दिखाई गई हैं जहाँ से लिम्फ आ रहा है, जर्नल सेंटर है, कॉर्टेक्स में गया था ऐसा हमने बोला, ये हाइलम रीजन है, ये इफ्रंट लिम्फेटिक जहाँ से ये निकलेगा, ये सब कैप्सुलर पार्ट वगैरह, मेडुलरी साइनस वगैरह इन इन जगहों पे गया था ना, तो इस डायग्राम में आप देख लीजिए। लिम्फ नोड कैप्सूल को कवर, कैप्सूल से कवर्ड रहती है, इसमें कैप्सुलर एक्सटेंशन पाया जाता है जिसको अपन ट्रैबिक्यूली कहते हैं, जो क्या बनाते हैं, नोड में पार्टीशंस बनाते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना अपन ट्रैबिक्यूली, बीच बीच में ऐसे ब्रांचेस, ऐसे नदियाँ सी बहती हुई ट्रैबिक्यूली जो पार्टीशन बनाती है। कैप्सूल के अंदर रेटिकुलर फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो कि लिम्फ नोड का फ्रेमवर्क बनाते हैं। दो मेन रीजन लिम्फ नोड में कॉर्टेक्स और मेड्यूला होते हैं, डायग्राम में दिख रहा है आपको कॉर्टेक्स और मेड्यूला रीजन, मेड्यूला सेंटर का, कॉर्टेक्स ऑब्वियस है बाहर का रीजन है। अब कॉर्टेक्स आउटर रीजन है, कैप्सूल के जस्ट नीचे पाया जाता है, इसमें डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं मास के अंदर अरेंज होते हुए, जिसको अपन क्या कहते हैं, फॉलिकल्स। ये देख लीजिए यहाँ पर कहाँ पर पाए जाएंगे कॉर्टेक्स में, फॉलिकल्स पाए जाएंगे ऊपर, जर्मिनल सेंटर इन फॉलिकल्स दिखाया गया ना डायग्राम में, तो यहाँ पे डायग्राम को देखते हुए इसको पढ़िए। आउटर रिम जो है फॉलिकल्स, उसमें टी सेल्स, मैक्रोफाज और फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स पाई जाती है जो कि टी सेल को एक्टिवेट करती है। मेड्यूला इनर रीजन है, लिम्फोसाइट्स अरेंज रहते हैं स्ट्रैंड्स में, इसको अपन मेड्यूलरी कॉर्टेक्स कहते हैं, इसके अंदर मैक्रोफाज और प्लाज्मा सेल्स पाई जाती हैं। बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन देखिए, सभी लिम्फ जो हैं वो पास होते हैं, पास थ्रू अ नोड, सभी लिम्फ जो हैं वो नोड से पास हो जाते हैं, बैक्टीरिया और दूसरे फॉर्मेटिकल्स जो होते हैं वो इस रेटिकुलर फाइबर में ट्रैप्ड हो जाते हैं नोड के अंदर, ये पास नहीं हो पाते, फिर उन बैक्टीरिया को हमारे मैक्रोफाज जो है वो फैगोसाइटोस्ड कर जाती है, खा जाती है। अब फैगोसाइटोसिस हो गया तो प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी, कोई एंटीजन अगर उसको लिम्फ में दिखाई दे रहा है तो एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सब की सब ब्लड से आएंगी, वापस चली जाएंगी सबक्लेवियन वेन के द्वारा ब्लड में चली जाएंगी। मेजर लिम्फ नोड्स कौन कौन सी है, अभी चार नाम स्टार्टिंग में डायग्राम में दिख रहे थे ना आपको पूरे ह्यूमन बॉडी में, सर्वाइकल, एक्सिलरी, इनगुइनल और मेसेंट्रिक, चार तरह की, सर्वाइकल, एक्सिलरी, इनगुइनल लिम्फ नोड और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड। ये स्ट्रक्चर टॉन्सिल्स दिखाया गया फेरिंजियल रीजन में, थाइमस दिखाया गया थॉरेक्स में, यूथ में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है ये, स्प्लीन दिखाई गई है साइड में, ये सारी स्ट्रक्चर है जो हमारे लिम्फ के अंदर जिनका रोल होता है, स्प्लीन, ये कर्व है स्टमक के लेफ्ट साइड में, और पियर्स पैचेस देख लीजिए भाई, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जा रहे होते हैं पियर्स पैचेस, ध्यान से देख लीजिएगा, हम एलिमेंट्री कैनाल में ये चीज़ पढ़ेंगे भाई, इंटेस्टाइन के पियर्स पैचेस देख लीजिए, पीले पीले से जो छोटे छोटे से चार दिखाई दे रहे हैं ना, ये पियर्स पैचेस हैं, इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। सर्वाइकल नेक एरिया में पाया जाता है, ये तो आपको पता ही, अपन ने वर्टिब्री वाला पार्ट जब बोन्स में पड़ा था वहाँ पड़ा था। लिम्फ को फिल्टर किया जाता है हेड और नेक से, ये कैपिलरी करता है। एक्सिलरी लिम्फ नोड आर्म पिट्स में लोकेटेड होते हैं,
हैंड आर्म और ब्रेस्ट का लिम्फ जो है वो इसमें फिल्टर होता है। इनगुइनल लिम्फ नोड जो है वो ग्रोइन एरिया में लोकेटेड रहते हैं, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज से आने वाले और एक्सटर्नल जिनाइटल ऑर्गन से आने वाले लिम्फ को छानने का काम करता है इनगुइनल। और लास्ट मेसेंट्रिक एब्डोमिनल पेरिटोनियम में पाए जाते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है ये जब एब्डोमिनल सर्जरी हो रही होती है किसी की, इसमें एब्डोमिनल कैविटी से आने वाला लिम्फ फिल्टर होता है। अब मेटास्टासिस क्या है? बैक्टीरिया, ये वो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया या दूसरी बॉडी सेल्स जो स्प्रेड करती है बॉडी के एक पार्ट से लेकर के दूसरे पार्ट तक लिम्फैटिक या सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। ये याद कर लीजिए, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम से अगर कोई सेल स्प्रेड कर रही है तो उसको अपन हिमाटोजिनस स्प्रेड कहते हैं, और अगर लिम्फ के थ्रू स्प्रेड करे तो लिम्फैटिक स्प्रेड या लिम्फोजीनस स्प्रेड कहलाता है। तो दो तरह के मेटास्टासिस जनरली देखा जाता है, या फिर डायरेक्टली भी कोई चीज़ कंटेजियस साइट से स्प्रेड कर सकती है। तीन तरह का, डायरेक्टली एक्सपेंशन एक्सटेंशन हो सकता है, ब्लड के थ्रू यानी हिमाटोजिनस स्प्रेड, और लिम्फ के थ्रू यानी लिम्फैटिक स्प्रेड हो सकता है। कैंसर सेल जनरली ऐसा मेटास्टासिस शो करती है, माइग्रेट टू नियर बाई नोड्स, आसपास के नोड्स में चली जाती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है एक्सिलरी नोड्स के थ्रू जाएगी। तो कीमोथेरेपी जो है वो हमारे को मेटास्टासिस में स्टार्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये लिम्फ का पार्ट थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा बहुत और बाकी है जो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया लिम्फ का, इसके साथ अपना लिम्फ जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।